वहीं बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले जुबिन नौटियाल उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा पीड़ितों के लिए राहत राशि जुटाएंगे। बॉलीवुड में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले जुबिन नौटियाल ने कहा कि पहाड़ों से उनका गहरा नाता रहा है और वो भी पहाड़ के दुख दर्द से भली भांति वाकिफ है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो आपदा प्रभावित लोगों के लिए अपने अपने स्तर से कार्य करे। इसी कड़ी में उन्होंने 14 फरवरी को म्यूजिक ऐप के जरिए लाइव कंसर्ट करने का फैसला किया है और इससे जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसे वो मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में जमा करवा कर अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक हैं जुबिन नौटियाल, जो कि उत्तराखंड से उनका विशेष नाता है। उन्होंने खुद कहा कि पहाड़ों से उनका विशेष नाता है और वो जुबिन नौटियाल जो है बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक, वो चमोली पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि आपदा पीड़ितों के लिए जो भी राशि आएगी, क्योंकि 14 फरवरी को वो एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट करने वाले हैं, और उस कॉन्सर्ट से जो भी राशि इकट्ठी होती है उस राशि को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में वो दान करेंगे, ताकि जो चमोली में जो आपदा आई है उसमें जितने भी लोग पीड़ित हैं उनको राहत मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब भी देश में आपदा आती है तो अपने अपने स्तर से लोग काम करें ताकि पीड़ितों तक हर संभव मदद मुहैया हो सके। तो आपदा पीड़ों के लिए राशि जुटाएंगे जुबिन नौटियाल। नीरज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मसूरी से जुड़ गए हैं। नीरज, अब बॉलीवुड स्तर से भी काम शुरू हो गया है, जिस तरीके से आपदा आई अब जुबिन नौटियाल खुद राशि जुटाएंगे पीड़ितों के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चमोली के रैणी गांव में जो आपदा आई है उसमें न जाने कितने लोगों के घर तबाह हो गए, न जाने कितने लोगों ने अपने जान गंवा दी है, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जुबिन नौटियाल जो की बॉलीवुड की एक जानी मानी शख्सियत है, जो मसूरी में ही रहती है, मसूरी में आजकल आए हुए थे, तो जब हमने आज उनसे वार्ता की है, बात की है, तो उन्होंने कहा है कि 14 तारीख को शाम को 5 बजे से और 6:30 बजे तक, 5:30 से 6:30 तक एक लाइव कॉन्सर्ट करेंगे, और जिसके माध्यम से जो भी उसमें कैश कलेक्ट होता है, जो भी पैसा उसमें राशि आती है, वो उसमें आपदा पीड़ितों को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड हर तबके से लेकर के और अब बॉलीवुड के जो शख्सियत है वो भी सामने आने लगी। नीरज, ये भी बताइए कि जो कॉन्सर्ट होने वाला है, म्यूजिक कॉन्सर्ट जो होने वाला है, ये कहाँ पर होने वाला है? देखिए जो लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है ये मसूरी के मॉल रोड पर जड़वाल टेरिस नाम की जगह है, वहीं पर होगा, जो की जहाँ पर की अक्सर होता है मसूरी कार्निवल वगैरह भी वहीं पर आयोजित किया जाता है, तो वहीं पर ये कार्निवल होगा, काफी भीड़ जुड़ने की आशंका है इसमें। जी नीरज, क्योंकि काफी अच्छी बात यहाँ पर जुबिन नौटियाल ने कही है कि वो एक तो खुद उत्तराखंड से उनका गहरा नाता रहा है, पहाड़ों से गहरा नाता रहा है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी आपदा आती है तो अपने स्तर पर लोग काम करें, आगे बढ़कर पीड़ितों की मदद करें, तो ये काफी अच्छा संदेश उन्होंने देने का काम किया है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि मसूरी में एक संस्था और है जो कि इस काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और इसी तरीके से जुबिन नौटियाल जी जो है वो भी इसी तरीके से आपदा पीड़ितों के लिए कहीं ना कहीं सहायता राशि उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं मसूरी के अंदर जी। यानी कि अब साथ ही साथ क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोशिश तो पूरी तरीके से कर रही है, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जो आपदा आई है उससे निपटा जा सके, लेकिन अब जिस तरीके से सिंगर खुद सामने आ रहे हैं और एक मदद करते हुए नजर आएंगे, वो तो राहत थोड़ी मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये भीषण आपदा 2013 के बाद फिर से दिखाई दी है उत्तराखंड के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से संकेत भी है कि यदि हम अपने आप को अभी भी नहीं चेते हैं और यदि साइंटिफिकली तरीके से सिस्टमेटिक काम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में भी इसका दुष्परिणाम देखने के लिए मिलेगा, और यही जुबिन नौटियाल ने आज अपनी बात में कही भी है ये बात। बिल्कुल, तो एक संदेश भी दिया है जुबिन नौटियाल ने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक संगीतकार के पास उसका संगीत है और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने संगीत को लोगों के लिए प्ले करके ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फंड कलेक्ट कर सकूँ चमोली में जो फ्लड आए उससे पीड़ित लोगों के लिए।
उत्तराखंड में ऐसी आपदाएं आती रहती हैं और मुझे लगता है कि पूरे देश को इसके ऊपर गंभीर तरह से सोचना चाहिए और एक इंसान ही एक इंसान के काम आता है। तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हम 14 फरवरी को 5:30 से 6:30 बजे गाना, एक म्यूज़िक ऐप है जिस पर आप लोग गाने सुनते हैं, उसी पे वीडियो स्ट्रीम करेंगे। हम लोग 1 घंटे का कॉन्सर्ट प्ले करेंगे। मैं और मेरा पूरा बैंड आ चुका है और उसके लिए हम जो भी रिलीफ फंड में हम राशि जोड़ेंगे वो हम CM केयर फंड को दे करके अपना सपोर्ट दिखाएंगे।